चंडीगढ़ में अपने गीतों से लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने वाले चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अब वो चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस हो चुके हैं। अपने गानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले SI भूपेंद्र सिंह अब इंडियन आइडल 13 में पहुंच चुके हैं। हालांकि वो कंटेस्टेंट के तौर पर नहीं बल्कि वो गेस्ट के तौर पर इंडियन आइडल में शामिल हुए। इसको लेकर NB न्यूज ने उनसे खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनी। चंडीगढ़ के सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ है। चंडीगढ़ के सारे लोग इन्हें जानते हैं अपने गाने के लिए। ये वो गाने गाते हैं जो चंडीगढ़ के लोगों को ट्रैफिक रूल्स वायलेशन के बारे में बताते हैं, पर इनका गाना इन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले गया, इंडियन आइडल पे ले गया, जो पूरे देश तक है। तो इनसे बात करते हैं कि पहले कैसे भूपेंद्र साहब, चंडीगढ़ का तो हम बात करें हर कोई जानता है, मैंने आपको देखा, सब लोग जानते हैं आपके ट्रैफिक के लिए, तो इंडियन आइडल पे जाके पहले तो लगा कैसा वहाँ जाके? ज़्यादा टैक्सी ले लाई सी उसको लेके गई, फिल्म सीखी गए पूरे गाँव अपने होटल के पीछे गया आराम करते, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप शुरू से गाते रहे हो, चंडीगढ़ के लोगों को ट्रैफिक की अवेयर करते रहे हो, तो कितना लगा कि आखिर ये जो चीज़ आप लोगों की भलाई के लिए करते हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर लगेगी, कैसा लगा ये? मेरा तो मतलब ये सी करके मेरा एक शौक से गाने का, तो जो ये काम शुरू किया वा तो लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया, मैं बड़ा अच्छा लगा लोगों को, करते करते मैं कई गाने लिखते, तो नो पार्किंग का नाम मिल गया, तो नो पार्किंग तो गाना लिख रहे तो लग रहा थी जो क्रेन तार की गड्डी लै गई तो तारा तारा गीते मजाक जहाँ जाता गला डर भी जाता पता नहीं गड्डी चोरी हो गई है, तो फिर मैं चलो देखते हैं करके गाना गाना अपने किया है मार्केट जाके बोली दा, तो बड़ा वीडियो बनाते हैं तो लोगों की वीडियो सद के मैं उसे पहुँचा। शुरू से जब आपने शुरुआत की थी तब तो शायद शौक के लिए, अब तो देख रहा हूँ कि कुछ भी नया रूल आता है आप एक गाना लेके आते हैं, तो क्या लगता है ड्यूटी लग गई एक तरह से? एक मेरी ड्यूटी लग गई है, गाना जोड़ा वा कोई भी जो नवा कानून लागू होंगे जब कुड़िया के हेलमेट का हो गया से पिछले भी हेलमेट हो गया तो कैमरे भी लग गए कैमरे का भी गाना बनाया, प्लस जिदा हूँ अगो पिछे बैल्ट का गाँव मतलब बना लिया कि जी पिछे जी बैल्ट जरूरी है क्योंकि पिछे शायद ये चलान भी शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ है लोग बात करते हैं लोगों को शायद सीधे अगर आप बोल रहे ना कि चलान इस चीज़ का लोग नहीं सुनते, गाना सुन के थोड़ा मजेदार करते हैं तो समझते हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी अहमियत मानते हैं कि आजकल के लोगों को अवेयर होती है कि बहुत लॉज आ गए हैं पर लोगों का अभी भी पता नहीं है? हाँ बिल्कुल, जरा यूथ है क्योंकि संगीत ना जुड़िया होता तो यूथ जरा गाने राही ज़्यादा मैसेज कैच करता है, तो जो तो समझाइए तो शायद ना समझे पर ये राही समझ लेते उन्होंने जबान से चढ़ जाता है ना। जी मेरा आखिरी सवाल, एक गाना ही गा दीजिए जो आपको वहाँ तक ले गया, पहले तो सोच क्या थी जब ये गाना लिख रहे थे उसके लिए गाना थे? सोच ये सी कि सड़कों के उत्ते आम गड्डी ला के लोग शॉपिंग कर चल जाते, तो सानू अफसर वालों हुक्म हुंदा सीगा कि जाके जिहड़ा सड़कों पर गड्डी खड़ी कीती है उन्होंने अवेयर करो, तो फेस्टिवल का टाइम से दिवाली का टाइम सेगा तो फिर जाम ज़्यादा लग जाए जिनी स्पेस घट जाएगा सड़क का, तो वे फिर मैं क्या भी ये सौखा तरीका एक गाने राही वायरल कर दो, गाना सुनने के लोग पता लग जाए। हुण नो पार्किंग नो पार्किंग नो पार्किंग सड़कों पर है नो पार्किंग नो पार्किंग पहला गड्डी खड़ी करेगी है नो पार्किंग पहला गड्डी खड़ी करेगी लभदी ना गड्डी लभदी ही रह गई ही बोलो तारा रारा हो तारा रारा गड्डी नू करेन लै गई ही बोलो तारा रारा हो तारा रारा गड्डी नू करेन लै गई ही बोलो तारा रारा है नो पार्किंग नो पार्किंग नो पार्किंग सड़कों ते है नो पार्किंग नो पार्किंग नो पार्किंग नो पार्किंग सड़कों ते है नो पार्किंग। थैंक यू। तो हमारे साथ सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र जी ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि गानों के तरीके से भी हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, और इस एक तरीके ने उनको आज पूरे देश में फेमस दोबारा से कर दिया है। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़।